बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि आज के इस एजुकेशन सिस्टम में आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, या फिर कोचिंग सेंटर्स के स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको देख के आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक में अपना कमांड हासिल कर सकते हैं और उस क्वेश्चन भी आपको सॉल्व होने लगेगा। तो क्या ज़रूरत है हम लोगों को हैंड रिटन नोट्स बनाने की, कि इतना टाइम वेस्ट क्यों करें हम लोग हैंड रिटन नोट्स बनाने में? लेकिन हाँ, ज़रूरत है हैंड रिटन नोट्स बनाने की, कि ओल्डन डेज में हम लोगों के पास ना तो कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स अवेलेबल रहते थे, हम लोगों को सीक्वेंस वाइज हैंड रिटन नोट्स बनाने की ज़रूरत होती थी कि किसी भी टॉपिक को किसी भी सब्जेक्ट किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोग रिवाइज कर सकें और उसके क्वेश्चन हमसे बन सकें। लेकिन आज के भी समय में सीक्वेंस वाइज हैंड रिटन नोट्स बनाने की ज़रूरत है कि आप अगर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, सपोज करिए 15 दिन के बाद आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, तो क्या आप सारे वीडियो लेक्चर्स को फिर से देख के अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए आपको एक सीक्वेंस वाइज नोट्स बनाने की जरूरत है जिसमें सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हों और पूरे कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस वाइज आपने लिखा हो, जिसके कारण इमीडिएटली उन क्वेश्चन के उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज होते रहें और वेरी फ्रीक्वेंटली आप मंथली बेसिस पे वीकली बेसिस पे उनका रिवीजन कर सकें और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें। तो हैंड रिटन नोट्स बहुत सीक्वेंसली बनाइए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इस समय में भी। थैंक यू वेरी मच।